विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार अपने अंतिम दौर में है। ऐसे में अब भाजपा ने प्रदेश में पूरी ताकत झोंक दी है, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रीवा जिले के सेमरिया में पहुंचकर जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा जिले के सेमरिया पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने प्रदेश को विकसित राज्य बनाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के समय वैक्सीन दिया, इतना ही नहीं आवास स्वास्थ्य सुविधाएं भी दी हैं। और जो माताएं बहनें दूर दूर तक घड़े लेकर पानी लेने जाती थी, अब उन्हें घर घर आरओ का पानी पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने वैक्सीन बीमारी के आते ही 9 महीने के अंदर वैक्सीन देकर के दुनिया की सबसे अच्छी 2 वैक्सीन भारत को दी और 220 करोड़ वैक्सीन की डोजेज भारत के नागरिकों को फ्री में उपलब्ध करवाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। जितना वैक्सीन भारत के अंदर लगा दुनिया के अंदर कहीं नहीं लग पाया। भाइयों बहनों, एक तरफ भारत का ये मॉडल संकट का साथी कोई है भाजपा है, मोदी जी के नेतृत्व में अब संकल्प पूरा हुआ, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, कांग्रेस गरीबों के लिए आवास नहीं दे पाई, शौचालय नहीं दे पाई, स्वास्थ्य बीमा का कवर नहीं दे पाई, कभी नहीं दे पाई। 55-60 वर्षों तक देश पर और मध्य प्रदेश पर शासन किया, नहीं दे पाई। उनका विजन भी नहीं था हर घर नल की योजना। ये रीवा क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई कल्पना ही नहीं करता था। यहां सबसे ज्यादा संकट तो जल का था, 2-2 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर दूर सिर पे कगरा लेकर के जाती थी माताएं बहने, और इतनी दूर से लाना पड़ता था उनको जल। लेकिन अब तो आरओ का पानी आपके घर घर तक पहुंचने का कार्य होने जा रहा है। भाइयों बहनों, बहुत बड़ा कार्य होगा। आधे से अधिक बीमारी का समाधान तो एक शुद्ध जल कर देगा, और बाकी अगर बीमारी आएगी, आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर जिसे बढ़ाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया, ये पूरा कर देगा। राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का कार्य कोई करेगा। तो भाइयों बहनों, भाजपा की डबल इंजन की सरकार करेगी, और डबल इंजन के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक प्रत्याशी का जीतना आवश्यक है। भाइयों बहनों, वहीं इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जोरदार तंज भी कसा। कुल मिलाकर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिनों में भाजपा ने प्रदेश भर में अपनी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, रीवा। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000230030 पर मिस्ड कॉल करें।